नमस्कार, ममता के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजीरी। काफ़ी हेल्दी होती है, टेस्टी होती है, ड्राई फ्रूट्स इसमें काफ़ी डलते हैं और घी भी डलता है। सर्दियों में ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो आइए देखें हमें इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। पंजीरी बनाने के लिए मैंने कुछ सामान लिया है, जैसे 200 ग्राम बादाम, 200 ग्राम काजू, 200 ग्राम किशमिश, 150 ग्राम मखाने लिए हैं और 100 ग्राम के करीब नारियल लिया है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, 150 ग्राम मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं, 100 ग्राम मैंने गोंद ली है और 4 चम्मच मैंने सूजी ली है, 2 चम्मच मैं ड्राई जिंजर का इस्तेमाल करूँगी। इसी के साथ मैंने 1 किलो आटा लिया है और 750 ग्राम के करीब मैंने चीनी ली है जिसको मैंने घर में पीस लिया है। देसी घी का मैं इस्तेमाल करूँगी। घी हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, थोड़ा हल्का घी गर्म हो गया, इसके अंदर मैं मखाने डाल दूँगी सबसे पहले और मखाना को पूरी तरह से मैंने फ्राई करना है। मखाने हमारे फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर रहे हैं तो आपको टिश्यू पेपर पे नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट इसको प्लेट के अंदर निकालेंगे। खाने मैंने निकाल लिए, अब मैं इसमें काजू डालूंगी। आहिस्ता गैस पे फ्राई करना है, काजू बहुत जल्दी जल जाते हैं। मैंने इसमें आधा किलो के करीब घी डाला है ड्राई फ्रूट फ्राई करने के लिए। जब मैं आटा भूनूंगी तब मैं इसमें और घी डालूंगी। काजू भी हमारा फ्राई होने शुरू हो गए हैं, रंग चेंज हो रहा है, अब हम इनको निकाल लेंगे। गैस को हम आहिस्ता ही रखेंगे अपनी। अब इसी के साथ इसके अंदर हम बादाम डाल देंगे और बादाम को भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। बादाम जब फ्राई हो जाते हैं तो इनके अपने आप ये चटकने शुरू हो जाते हैं। बादाम भी हमारे फ्राई होने शुरू हो गए हैं और ये फटने शुरू हो गए हैं। 2 मिनट इसको मैं भूनूंगी आस्ता गैस पे, ये भी फिर मैं इनको निकालूंगी। अब मैं इनको निकाल लूंगी, आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ आ रही है फटने की, इसका मतलब बादाम भी हमारे पूरी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर किशमिश डाल दूंगी और किशमिश में फूलने तक पकाऊंगी, जब तक फूलेगी, ज़्यादा नहीं पकाएंगे नहीं तो किशमिश कड़वी होनी शुरू हो जाती है। किशमिश हमारी पकनी शुरू हो गई, इसको भी मैं फटाफट से निकाल लूँगी। गैस को मैंने बंद कर दिया क्योंकि अगर गैस जलती रहेगी तो किशमिश हमारी बहुत ज़्यादा पक जाएगी। हल्का गर्म हमें घी चाहिए, अब मैं इसके अंदर गोंद डाल दूँगी। गोंद को अगर आप तेज गैस पर पकाएंगे तो गोंद जो है बाहर से पक जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है और जब हम पंजीरी में डालते हैं तो ये दांतों में चिपकती है। हल्की गैस पे अब मैं इसको पकाऊंगी जब तक ये पूरी तरह से फूल नहीं जाएगी। गोंद हमारी पूरी तरह से फूलनी शुरू हो गई है, अभी 1 से 2 मिनट के करीब और पकाऊंगी। खरबूजे के बीजों को मैं फ्राई नहीं करूंगी और ना ही मैं नारियल को फ्राई करूंगी। जब मैं आटा भूनूंगी तब मैं उसके अंदर डाल दूंगी तो वो अपने आप ही फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल गई है। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूंगी। ये देखिए गोंद हमारी पूरी तरह से फूल गई है और मैंने इसको घी से अलग कर दिया, इसको भी मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब मैं इसी घी के अंदर आटा डालूंगी, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं और घी डालूंगी और इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। आटा अपने आस्ता गैस पे भूनना है, तेज गैस पे नहीं भूनना है। घी की हमें ज़रूरत पड़ेगी पर मैं इसको अभी थोड़ी देर चला लेती हूँ, फिर मैं घी डालूंगी इसके अंदर। जब ये आटा गर्म हो जाएगा जो इसके अंदर घी है वो पिघल जाएगा, निकल जाएगा
उसके बाद मैं देखूंगी कि मुझे कितना घी और चाहिए। आटे में घी बहुत कम है तो मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी। पंजीरी में जब तक घी नहीं हो पंजीरी अच्छी बनती नहीं है, इसलिए आप घी का इस्तेमाल करें। और पूरी तरह से आपने आस्था गैस पे भूनना है इसको। तेज गैस पे आटा जल्दी से पक जाता है और कच्चा रह जाता है, पंजीरी का स्वाद नहीं आता। ये आटा भुनने में कम से कम आधा घंटा लेगा, आधे से पौना घंटा लेगा ये आटा भुनने में आस्था गैस के ऊपर। पंद्रह मिनट के करीब हो गया मुझे आटे को भूनते हुए। अभी इसको 15 से 20 मिनट और लगेंगे भुनने में। आटा जब तक हमारा भून रहा था तब तक आप देख सकते हैं कि मैंने ड्राई फ्रूट्स हैं, मखाने, काजू, बादाम सबको मैंने दरदरा पीस लिया है। साबुत नहीं डालूंगी मैं इसी के अंदर, दरदरा पीस के डालूंगी। आटा हमारा हल्का हल्का भुनना शुरू हुआ है मगर जो कलर हमें चाहिए अभी वो कलर इसमें आया नहीं है, तो मैं अब इसके अंदर गोंद डाल दूंगी पिसी हुई। कई बार क्या होता है कि गोंद दरदर ही रह जाती है और वह दांत के नीचे आती है, तो इसलिए मैं इसको इसी वक्त डाल दूंगी। तो जो इसमें कसर होगी थोड़ी बहुत वो अपने आप पक जाएगी। हीट में जो गोंद है वो अपने आप घुल कर पूरे आटे जैसे मिक्स हो जाएगी बीच में। इसी के साथ इसमें डाल दूंगी मैं सूजी, 3 से 4 चम्मच के करीब मैं सूजी डालूंगी। सूजी डालने के बाद मैं इसको 5-7 मिनट आस्था गैस पे भूनूंगी। इसके बाद मैं इसमें नारियल के बुरादा जो मैंने लिया है, नारियल कद्दूकस किया हुआ, वो डालूंगी और साथ में खरबूजे के बीज डालूंगी। गैस को मैंने मीडियम कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी नारियल और साथ में डालूंगी खरबूजे के बीज। अगर हम इसको डीप फ्राई करते हैं तो ये चटकते हैं और उड़ते हैं ये काफ़ी, इसलिए मैं इसके अंदर डाल के इसको पका रही हूँ। आटा हमारा भुनना शुरू हो गया और ये देखिए नीचे हल्का हल्का रेडिश में आना शुरू हो गया है, इसलिए अब इसको आपने लगातार चलाना है, चारों तरफ से चलाना है, नहीं तो एक तरफ से लाल हो जाएगा आटा और एक तरफ से ऐसे ही रहेगा। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच के करीब सौंफ डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी मैं। सौंठ ज़्यादातर जब जच्चा बच्चा के लिए बनती है पंजीरी तो उसमें इस्तेमाल होती है सौंठ ज़्यादा। गैस को मैंने मीडियम पे कर दिया है और अब मैं इसको मीडियम हीट में ही पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए और हाथ अपना लगातार चलाऊंगी। मीडियम हीट पे इसको चलाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और घी पूरी तरह से बाहर आ गया और आटा हमारा भून गया है। 2 मिनट में इसको मीडियम हीट पे चलाने के बाद गैस को बंद कर दूंगी और इसे गर्म कढ़ाई में इसको चलाती रहूंगी ताकि इसके अंदर अगर जो कोई कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। आटा हमारा पूरी तरह से भून गया है, अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ और इसी कढ़ाई में इसको चलाती रहूँगी। इसके बाद मैं एक परात में इसको निकालूंगी और जब रूम टेम्परेचर पे आएगा तब मैं इसमें चीनी डालूंगी, क्योंकि अगर मैं चीनी गर्म गर्म में डालूंगी तो पानी छोड़ देगी। उसी वक्त मैं पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी है वो सब उसी वक्त एक साथ मिलाऊंगी। गैस को मैंने बंद कर दिया।
कढ़ाई हमारी गर्म है, घी इसके अंदर बहुत गर्म होता है, तो अभी ये भुनता रहेगा थोड़ी देर के लिए। पंजीरी के आटे को हमने ठंडा कर लिया है, ज़्यादा ठंडा नहीं किया है, हल्का सा गर्म है, और मैंने इसका एक परात में निकाल लिया है। अब मैं सबसे पहले इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालूंगी जो मैंने दरदरे पीसे हैं सारे। और इनको अच्छी तरह से मिला लूंगी मैं इसके अंदर। ड्राई फ्रूट्स मैंने मिला दिए हैं। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी, 750 ग्राम के करीब मैंने चीनी पीसी थी, अभी मैं आधी चीनी इसमें डालूंगी। आप इसके अंदर मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स और चीनी मैंने सब पूरी तरह से मिला दिया। पंजीरी को अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसी के साथ किशमिश के ऊपर हम कुछ बादाम रख देंगे। काजू लगा देंगे इसके साथ। पंजीरी हमारी बनकर तैयार हो गई है। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट पीस के डाले हैं क्योंकि बच्चे साबुत ड्राई फ्रूट को उठा के खा लेते हैं और उसको पंजीरी को छोड़ देते हैं खाने के लिए, इसलिए आप इसमें जब भी कभी ड्राई फ्रूट डालें तो उसको पीस कर डालें। जब आप जच्चा बच्चा के लिए बनाएं तो इसमें सुंड का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी बनाई पंजीरी पसंद आई है तो ममता के किचन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कॉमेंट्स देना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई डिश के साथ। नमस्कार।